ओम श्री माता शरणम श्री अरविंद शरणम परम प्रभु श्री अरविंद श्री चरण कमल रे अनंत शाश्वत काल लागी श्रद्धा भक्तिपूर्ण आभूम प्रणाम निवेदन करुछु। अगस्त 15, 1921 श्री अरविंद 150तम जन्म संवत्सर आरंभ बा चली। श्री अरविंदर पवित्रतम जन्मतिथि समान भाव मन पड़े श्री माँ जन्म। माँ कही विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी हि इज अनमैनिफेस्ट। ताको बिना मोर स्थिति नहीं, मो बिना तांकर अभिव्यक्ति नहीं। बिना अर्थ श्री अरविंद बिना माँ श्री अरविंद मूल चेतना हेले एक हेले भी प्रकाशर भूमि रे दुईटी दुईटी भूमिका ग्रहण करछन्ती। जणे शांत निर्विचल स्थिर आउ जणे सचल सक्रिय गतिजुक्त। प्रथम जणक श्री अरविंद, द्वितीय जणक श्री माँ। श्री अरविंद धारक चेतना, माँ होचन्ती चालक चेतना। श्री अरविंद साक्षी स्वरूप सबकिछि देखुछन्ती, माँ कर्मी रूपे सबकिछि करुछन्ती। जे कोनसी सृष्टि निमन्ते दुईटी चेतना सबुले दरकार, गोटी हेला अचल अन्यटी हेला सचल। जेमती आमे जो भूमि रे बसुछु चालुछु सोउछु विभिन्न कार्य करुछु से भूमि होची अचल, अथच आमे होछंती समस्ते सचल। भूमि जदि कहिबो आम भली सचल हेबो बोली तेबे दुईटी सचल उपादान जोगे किछि हेइ परिबा नै। आमे बसि परिबा नै, ठिया हेइ परिबा नै कि चालि परिबा नै। हुए तो माटी भितरे गली पड़िबा कि पोति ही पड़िबा। सेमती आमे जदि कहू आमे भूमि परि अचल हेबू तेबे सबु किछि स्थाणु जड़ पाल्टी जीव। श्री अरविंद कहंती माँ को बिना तांको जोगदर्शन तत्व आकार रही जाई थांता, तार वास्तव क्षेत्र रे रूपायन घटी पार नथांता। तांको साधनार गोटिए पर्याय रे सबु किछि जेपरि स्थाणु पाल्टी जाईथिला, शक्ति रूपरे माँ का सहयोग ही से सब को भांगी दे ताको पुणी सचल करि पारथिला। माँ कहती कार्यतः से धारक मु चालक, ए दुईटी भूमिका आमे ग्रहण करूथले भी तत्वतः आमे गोटिए बा एक। जेमती नदी, नदीर सज्जा स्थिर स्थाणु आउ जल चल चल मान शील जो थी आम पेशापेशी करू, तो तल पथर टी अचल ऊपर गुड़ाटी सचल। सबकि गोटे जिनस स्थिर हेले आउ गोटे चल मान हेले काम चले। तेणु श्री अरविंद जन्म मुहूर्त अन्यान केतक घटना सह माँ से ही सब घटन किपरि एक रहस्यमय अर्थपूर्ण संजोग रही देखिले आमको विस्मय होगा पड़े। प्रथम श्री अरविंद और माँ जन्म 6 वर्ष 6 मास 6 दिन आउ 6 घंटार फरक रही। जमती श्री अरविंद जन्म वर्ष 1872 स्थले माँ जन्म वर्ष 1878 6 वर्षर व्यवधान। श्री अरविंद जन्म मास अगस्त बेले माँ जन्म मास फेब्रुआरी 6 मास व्यवधान। श्री अरविंद जन्म तारीख 15 बेले माँ जन्म तारीख 21 6 दिनर फरक। श्री अरविंद जन्म समय पूर्वाह्न 5टा बेले माँ जन्म समय पूर्वाह्न 11टा 6 घंटार फरक। द्वितीय श्री अरविंद राशि सिंह, माँ राशि कुंभ, तेणु 6टी राशि यथा कन्या तुला विच्छा धनु मकर कुंभर व्यवधान रही। तृतीय श्री अरविंद कलिकतारे ओ माँ प्यारिस जन्म होते कलिकतार मध्यान और प्यारिसर मध्यान मध्य 6 घंटार व्यवधान रही। चतुर्थ श्री अरविंद नाम एस रु आरंभ, माँ नाम एम रु आरंभ, एस रु एम मध्य 6टी वर्णर व्यवधान रही। पंचम श्री अरविंद जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी, माँ जन्म माघ कृष्ण पंचमी, श्रावण रु माघ 6 मास व्यवधान, पंचमी रु एकादशी 6 दिन व्यवधान।
तापर श्री अरविंद वंशगत उपाधि है घोष माँ वंशगत उपाधि है अल्फासा माँ का उपाधि मूल अक्षर ए श्री अरविंद उपाधि मूल अक्षर जी मध्य छटी वर्णर व्यवधान रही व्यवधान छ जो संख्या व्यवधान यह कौन सी काकतालीय न्याय आकस्मिक भाव अर्थहीन भाव घटिना यार पश्चात निगूढ़ अर्थ रही संख्या छर अर्थ माँ कहती न्यू क्रिएशन बा नवसृष्टि तेणु पृथ्वी पृष्ठ से माँ श्री अरविंद जन्म एक नवसृष्टि अभिव्यक्तिर प्रतिश्रुति ग्रहण करुच्ची जाणी आम देखा माँ श्री अरविंद जन्म संपर्क माँ मोर श्री अरविंद जन्म संपर्क कौन कही माँ श्री अरविंद जन्म को विश्व इतिहास एक शाश्वत आविर्भाव बोली कहते माँ को शाश्वत आविर्भाव अर्थ कौन बोली पचराजार माँ कही आक्षरिक दृष्टि शाश्वत आविर्भाव विशेष किसी अर्थ ना किंतु चेतनार विभिन्न स्तर से यार वास्तव अर्थ रही भौतिक मानसिक चैतिक आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर से यार अर्थ भिन्न भिन्न किंतु परस्पर परस्पर परिपूरक भौतिक दृष्टि शाश्वत आविर्भाव अर्थ है ये पृथ्वी जिते दिन रही थी श्री अरविंद जन्मर प्रभाव अनुभूत होश्वत काल पर माँ कहती मु शाश्वत व चिरंतन शब्दर व्यवहार कर टिके काव्यिक ढंग से कारण पृथ्वी नथिले स्थूल भौतिक स्तर से आउ किए यार प्रभाव अनुभव कर मानसिक स्तर से श्री अरविंद जन्मर स्मृति मनरे समस्त जुग जुग धरी रही मनर स्तर से कई यहाँ भूली पारे ना चैतिक बा अंतरात्मिक दृष्टि जुग जुग धरी यही आविर्भाव अनंत काल निमित्त पुनरावृत्ति घटू कि विभिन्न जुगरे नुआ नुआ करी एही आविर्भाव घटुची घटुथिबो प्रतिथर एही जन्म नुआ कथा बहन करी आनी थाए आग अपेक्षा पूर्णतर शुद्धतर किछि नै आस्थाए किंतु एहा पार्थिव शरीर मध्य को एक ही कथार अवतरण हेले भी प्रकाश भिन्न भिन्न होइथाए शेषरे आध्यात्मिक दृष्टि श्री अरविंद जन्म विश्व इतिहास एक शाश्वत आविर्भाव यही दृष्टि जे से स्वयं शाश्वत तांको निजस्व लोकर आसी ए पृथ्वी रे आमरी भली मरतनु धारण करी जन्म ग्रहण करछन्ते श्री अरविंद जन्म को विश्व इतिहास रे काहें कि एक शाश्वत आविर्भाव बोली कुआ जायछि ताहा मानसिक भौतिक चैतिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु बुझाई देवा परे माँ कहिछन्ति आउ केबे पचारिबो नाही श्री अरविंद जन्म विश्व इतिहास एक शाश्वत आविर्भाव अर्थ कौन आम बुझीपन जदि बुझी न पार तेब भाव जे चेतनार जो स्तर को गले ए कथार यथार्थ अर्थ बुझिए से स्तर को तुम्हें जाइना चेष्टा कर शब्द दुईटी पश्चात कि अर्थ रही बुझा लगे तेणु माँ आमको स्पष्ट करदे जे श्री अरविंद किए श्री अरविंद होती परात्पर परम जी विभिन्न समय रे विभिन्न जुगरे भिन्न भिन्न अवतार रूपे भिन्न भिन्न नाम रूपरे जन्मलाभ करछन्ते केवल माँ नुहंती अने अन्यान विशिष्ट साधु संत माने मध्य श्री अरविंदंकर एही महानता को उपलब्धि करी विशेष भावरे स्थल विशेष रे प्रकाश करथांती एठी गोटे घटना कहूँ आश्रम श्री अरविंद आश्रम जने पुराणा अंतेवासी बाहर विशिष्ट साधु संत को साक्षात करिवारे बहुत आग्रही सी थरे मथुरा जाइथांती मथुरार साधु श्रीपद तांको कहिले उत्तर भारतर प्रसिद्ध साधु देवराहा बाबा को देखा करिवा लागे से बाबा खाली खुंटो उपरे तयारी हेथिबा मंचारे बा भाड़ी जो कहती सेइथरे रहंती अनेक विशिष्ट व्यक्ति तांको पाखु जांती आउ तांकर आशीर्वाद देबार ढंग मध्य भिन्न प्रकार से भाड़ी उपरु गोड़ झूले व्यक्तिर मस्तिष्क स्पर्श करी आशीर्वाद दिंती आमर यही आश्रमवासी जनक अपराह्न 2:30 सेठारे पहुँचले से गला बेलू बाबा मंचा ठारू 50 मीटर पर्यंत
दर्शनार्थी मानकर धाड़ी लंबी गला सीए धाड़ी पछरे जोग देले। हठात बाबांकर जने शिष्य बाबांक पाखु आसी धाड़ी रे थिबा लोक पचारे आपण मानक मध्यरु किए श्री अरविंदक आश्रम रु आछंती। अचानक प्रश्न रे आश्रमवासी जनक काबा हेगले। सीए एही मात्र सेठरे पहुंचंती, तांकु केही सेठरे जाणी नांदी। सीए मन कले बोधे तांकर सेठरे केही श्री अरविंद आश्रमवासी अछंती जहांकु बाबा जाणंती, तेणु से नीरव रहिले। जेतेबेले केही उत्तर देले नाही से शिष्य जनक पूर्णी थरे पचारले जे एठी केही श्री अरविंद आश्रम रु आछंती तो आमर एही भाई जनक हाथ टेकिले। शिष्य जनक कहिले बाबा आपनकु डाकछंती। बाबांकर एही अलौकिक महिमारे विस्मित हो जा बाबा भाड़ी निकट को जा ढड़ा हेले। भाड़ी उपर थी बाबा कहले कौठू आस आश्रमवासी कहले बाबा मु श्री अरविंद आश्रम आबी बाबा कहले तुम्हें जाण श्री अरविंद किए। आश्रमवासी जन कहले सामान्य किसी जाणी। बाबा कहले ना तुम्हें जाणिन सी हूँ जड़े महापुरुष महान ऋषि श्री अरविंद। यही वाक्यटी को बाबा तीन थर पुनरावृत्ति कले। तापरे तांकर जने शिष्य कहले से श्री अरविंद आश्रमवासी को किसी प्रसाद देवा लगे। शिष्य जनक गोटे बास्केट रे किसी प्रसाद देले। तापरे बाबा तांको हस्त उत्तोलन करी आशीर्वाद जनइले। आश्रमवासी जनक एपरी एकांत विरल सुजोग दिजार देखी धाड़े लोक मानर विस्मय सीमा रहा ना। यहीपरी उदाहरण सब बहुत रही। श्री अरविंद को स्वदेह न देखी भी साधु माने महानता संबंध में जानते। आउ थरे कौन है ना आमे आलोचना जानते जे आश्रम पुराणा अंतवासी प्रति वर्ष बाहर विभिन्न विशिष्ट साधु को भेटा को आश्रम जाती। से ही अंतवासी साधकों आउ जड़े विशिष्ट साधु भेट होबार घटना गोटे वर्ष से आश्रम अंतवासी जनक पश्चिम बंगला जाते। सेठारे जड़े बंधु तांकु विख्यात राजपूत साधु जी कांधी रे अवस्थान करते कथा कहले। सीए बाबा पिशाच बाबा नाम परिचित थे। सीए थे एक अति खराब रुचि संपन्न साधु तेबे से जड़े सिद्ध साधु थे। यही साधु मानक कहीं कई जड़वत कहीं कई पगल भली कहीं कई पिशाचवत आउ कहीं कई पिला लोकों भली बालवत आचरण करता। आमर यही बाबा दस बारटी भयंकर कुकुर सह रोते। लोक मैंने कहीं पाख गले टीका फिंगुले का पचर कुकुर लगे दूसरे आउ केतक साक्षात अभिलाषी व्यक्ति को निहाती अभद्र भाषा रे गाली गुलज करते। दर्शन लगी किंबा शिष्यत लगी पाखक जाऊवा लोक मानक से यही उपाय पाख पुरई दे नथिले। आमर आश्रमवासी बंधु जनक कांधी पर्यंत नहीं गले। बाबांक रहिबा स्थान निकट हेबारु सी आउ आग को गले नाही जिबाकु साहस कले नाही। रही ए आश्रमवासी बंधु कहले सी जदि चाहती एणिकी बाबांक पाखक जातु। से भयंकर बाबांक पाखक निजे जीवा लगी तांग सांगटी आउ साहस कले ना। आश्रमवासी जनक धीरे धीरे बाबांक दिगरे चलले किंतु तांकु विस्म अभिभूत करी बाबा निजे आसी तांक आड़क आसी तांक सम्मुखरे तांकु साष्टांग प्रणाम कले। सी जेतेबेले उठिले आश्रमवासी जनक बड़ अप्रतिभ अनुभव करी विनम्र भावे कहले बाबा आपण मते काहीकि प्रणाम करछंदी। बाबा तत्क्षणात अति तीक्ष्ण भावे कहले साला मु तत्ते प्रणाम करी तत्ते काई को प्रणाम करी मु मो गुरु श्री अरविंद को प्रणाम कली। मु तांको कलिकता रे देखी थिली वर्तमान तो से महान ऋषि परिणत हेले। आश्रमवासी जनक पचारे बाबा मु तो आपन को कही ना जे मु श्री अरविंद आश्रम रु आसी आपण किपर जानले मु सेठु आसी बोली कहले आरे मते कोन एक कथा कहिबा दरकार। बाबा कहले तापर से बाबा आश्रमवासी जन को अनेक कथा कही भितर कही श्री अरविंद प्रकाश समय उदय होना। बर्तमान आम मन में प्रश्न उठिपे जे आम श्री अरविंद को कहीं पढ़व। यार उत्तर एक कथा कह जापे जे आज को शहे रु
ऊर्ध वर्ष तले से जो पुस्तक सब रचना करते भी आम को दिग्दर्शन दौची गोटे पुरातन जुगर अवसान घटाई एक नूतन जुग को प्रतिष्ठित करने पर्यंत ताहा आम को आलोक देखा कली जुग पर नूतन सत्य जुग प्रतिष्ठित हेले जो सत्य जुग आउ कली जुग को फेर ना से समय ज्ञानर नूतन दिगंत आहुरी हुए तो आहुरी नूतन सिद्धांत से श्री अरविंद नूतन स्वरूप नूतन अवतार द्वारा हो पारे किंतु जितेबले पर्यंत से नूतन जुग आसीना से पर्यंत श्री अरविंद ग्रंथर वार्ता आम मानी सर्वशेष मार्गदर्शन बोली जानवा श्री अरविंद आविर्भाव पर्यंत प्राच्य और पाश्चात उभय जीवन जगतर समस्या सकल समाधान जगत भितरे की जीवन जगत भितरे की जीवन भितरे संभव बोली देखी पार नथिले कि विश्वास करी पार नथिले से माने विश्वास करथिले ए सब समस्या रो मुक्ति मिली पारिबो जीवन को जगत को त्याग करी तार ऊर्धरे स्वर्ग रे बास करी पारले किंबा निर्वाण लाभ करी महाशून्य रे मिली गले ओ आउ ए जगत को जगत जीवन भितर को न आसले ता जदि करा जाय ताहले ए जगत ओ जीवन रो सृष्टिटा निरर्थक अनावश्यक बोली धरिबा कहब किंतु श्री अरविंदक ग्रंथ आमको शिखेला जे यथार्थ ओ स्थायी समाधान रो पथ एई जगत रे एई जीवन रे रहिछि जीवन क्षेत्र रु जगत क्षेत्र रु पलायन कले चलिबो नाही ता फलरे ए जगत आउ जीवन जेपरी अच्छे से हीपरी रही से तार परिवर्तन दरकार बोली श्री अरविंद अति जोर दे कहते मनीष जितेबले कौन सी कथार समाधान चाहिए तार समाधान कौन सी ग्रंथर कौन सी शास्त्र आम पाईपार रामायण महाभारत श्री अरविंद लिखित सावित्री पूर्वर महाकाव्य रामायण रे समस्या रा समाधान पाई भगवान अवतार नहीं चंदी असुर मान को निपात किंतु पुणी असुर जन्मलाभ कर महाभारत रे भगवान अवतार नहीं चंदी आसुरिक चेतना और शक्ति विशिष्ट मनीष मानक भारू पृथ्वी को मुक्त करापर पुणी आसुरिक चेतना तथा शक्ति विशिष्ट मनीष जन्म लाभ कर पृथ्वी सबुदिन लगे से कबलू मुक्त हो पारिना किंतु श्री अरविंद सावित्री रे अवतार को असुर और आसुरिक शक्तिर मूल उत्स जो थे जन्म नेचेतना को परम चेतन परिणत करने को हम जहाँफल असुर किंवा आसुरिक शक्ति संपन्न मनीष जन्म नहीं पारना से निश्चेतनार दिव्य रूपांतर फल जीवन समस्त जीवनर समस्त समस्या दुख जंत्रणा जरा व्याधि मृत्यु आदि स्थायी भाव लोप पाइब श्री अरविंद ग्रंथ रे यही अपूर्ण मनीष मानू और पृथ्वी को ही गुरुत्व दि जाए मनीष मानक ऊर्धरे देवता माने से मानकर दिव्य ऐश्वर्य को नहीं संतुष्ट मनीषर निम्नरे पशु मानकर केवल शारीरिक आवश्यकता मेंटिले से माने संतुष्ट एमानक मझीरे मनुष्य केवल ता जीवन को नहीं संतुष्ट नुहे कारण से आज जहाँ अच्छी से रहिबाकु चाहे ना से सीमित शक्तिहीन विकृत अपूर्ण अज्ञान मरणशील किंतु सी हेबाकु चाहे असीम सर्वशक्तिमान अविकृत पूर्ण दिव्य ज्ञानयुक्त अमर एते ग्रह नक्षत्र उपग्रह रही चेतनार एते भूमि रही श्री अरविंद जुगरे यही पृथ्वी को ही गुरुत्व दि जाए यही पृथ्वी रे ही विवर्तन संभव यही पृथ्वी ही जड़ मध्य प्रकाश करिबो परम भागवत चेतना मनीष हेब देवता पृथ्वी हेब स्वर्ग श्री अरविंद ग्रंथ मनीषर और पृथ्वीर यही अभीप्सा पूरण एकमात्र
सहायक रूपे कार्य कर। मनीषर समस्यार समाधान पाई विज्ञान बहुत चेष्टा करिछि। विज्ञान कहे ये सृष्टि आकस्मिक भाव विवर्तन फलरे अग्रगति घटी आज सृष्टि मनीषर अवस्था पहुँची। किंतु वैज्ञानिक मानक जिते पचरा जा जड़ उद्भिद उद्भिद रु प्राणी प्राणी मनीष हेले ठीक किंतु किमती हेले जड़ रु प्राण मन कुआडु आसला। विज्ञान तार उत्तर दे पारा दे न पारि कहे यही सबू है किपरी है कहीपर ना। यार उत्तर श्री अरविंद ग्रंथ कहे सी कहे जड़ मध्य प्राण मन निवर्तित ऊर्धर जितेबले प्राण मन अवतरण कले जड़ मध्यस्थ प्राण और मन को जाग्रत कले फल जड़ रु प्राण और मनर विवर्तन घटी उद्भिद प्राणी मनीष सृष्टि आहरी जड़ मध्य रही जो अतिमानस शक्ति ताबले बर्तित हे से मनीषर पर जीव अतिमानव देखादे। जड़े वैज्ञानिक और जड़े आध्यात्म साधक परस्पर बंधु थे। वैज्ञानिक जनक सबूत कहती सबकि आकस्मिक भाव हो भगवान भगवान बोली कई ना। आध्यात्म साधक नीरव होती थे से ही वैज्ञानिक बंधु आध्यात्म साधक घर को जाते आध्यात्म साधक घरे गोटे सुंदर ग्लोब थाए से खूब सुंदर चिकचिक देखा जाए। वैज्ञानिक बंधु जनक ताड़ को मुग्ध दृष्टि चाह पचारे ये चमत्कार ग्लोबटी किए तैयारी कर। आध्यात्म साधक कहले ताहा आकस्मिक भावे आपे आपे तैयारी। वैज्ञानिक कहले थट्टा करना कह किए तैयारी। आध्यात्म साधक कहले कहली परा ताहा आपे आपे आकस्मिक भावे तैयारी। तुम्हें तो कह ये समग्र विश्वटा आपे आपे आकस्मिक भावे तैयारी। समग्र विश्वटा जदि बिना सृष्टिकर्ता रे आपे आपे तैयारी हो पाला ए सामान्य पीतलर ग्लोबटा कहीं से धारे यापर। वैज्ञानिक बंधु वर्तमान तांको निज जुक्ति द्वारा निजे पराजय स्वीकार कले। सेमती विज्ञान और आध्यात्मिकतार ही बदले श्री अरविंद ग्रंथ कहे विज्ञान और आध्यात्मिकता दुहे परस्पर परिपंथी नुहंती दुहे परस्पर परिपूरक। विज्ञान बिना आध्यात्मिकता अपूर्ण आध्यात्मिकता बिना विज्ञान दिशारे शून्य लक्ष्यहीन। श्री अरविंद ग्रंथ आमको स्पष्ट भावे कहे ये सृष्टि एक आकस्मिकता नुहे या पश्चात रही गोटे दिव्य शक्ति दिव्य परिकल्पना जहाँ एक दिव्य परिणाम दिगरे यहाँ नहीं चलती। मनीषर विकाश पाई दर्शन आसी धर्म आसी विज्ञान आसी आध्यात्मिकता आसी किंतु अपूर्णता जो व्यर्थ होती। श्री अरविंद ग्रंथ ये सबू मध्य जहाँ ग्रहण योग्य तार महत्व प्रतिपादित करी जो सब अपूर्णता जो एमाने व्यर्थ होती देखिए मनीष जीवन को पूर्णतार मार्ग प्रदर्शन करी ताकू तार चरम सार्थकता दिगरे आगे नौचे। मनीष खाली बुझिले और आंतरिकतार सह ग्रहण कले हेला। ताले आजपाई एठी रखुची समस्तंकु धन्यवाद नमस्कार। श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम।